जय भीम नमो बुद्धाय। आज का ये प्रोग्राम जिस तरह शुरू हुआ और जिस तरह इसका समापन हो रहा है, जैसे और भी प्रोग्राम सब जगह होते हैं वैसे ही है, कोई इसमें अन्यथा नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब आए थे तो स्ट्रेंथ कितनी थी, तो जब समापन हो रहा है तो स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन जो लास्ट में रहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग ही कुछ चिंतनशील होते हैं, वो लोग कुछ करने के लिए। बाकी तो आए गए, भाषण दिया, खाना खाया, जो जिसका शौक है वो पूरा करके चले जाए। एनीवे, सब्जेक्ट पे आते हैं। SC ST एट्रोसिटीज का जो प्रिवेंशन एक एक्ट था 1989 का, उसका अब्यूज वर्ड यूज कर रहा हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने हिसाब से बनाया, उसका डिसीजन दिया। इसी केस में महाराष्ट्र का केस है, एक फार्मेसी कॉलेज का है और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, ये दोनों ही केस हैं। उन दोनों का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो आपको हिला दिया और यहाँ पर बनाने को मजबूत कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हम यहाँ बैठे हैं, इस तरह से न जाने कितने हजार वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना, जगह पर लोग बैठे और इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मैं पूरी कल्पना की बात नहीं कर रहा, यह हकीकत बता रहा हूं। अगर आप काउंट करेंगे तो जहां तक सवाल रिएक्शन रगड़ी और मेमोरेंडम का है, अपने आप में डिसाइडेड है। रिएक्शन हमको मालूम ही है, हम लोग बात बता चुके हैं, बात सब लोग कह चुके हैं। रेमेडी भी आपको मालूम हो चुकी है कि क्या रेमेडी है, इसमें कोई शक तो नहीं है, मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है। और मेमोरियल भी देना है, 28 मार्च डिसाइडेड डिक्लेयर है। साथियों, इन सब के साथ में एक बात जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूं, चूंकि इस समाज एक जो हालात है इस देश की, उसमें करीब करीब 1972 से मैं कुछ अध्ययन कर रहा हूँ, कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, मैंने नौकरी की चिंता बहुत कम करी, चिंता तो करते हैं सर, बहुत कम। लोग आजकल चूंकि मजबूरी भी है, नौकरी की चिंता ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये करीब करीब 45 साल से ऊपर हो गया, ये जो अनुभव है मेरा वो बड़ा अजीब। आज पूरे देश में पता नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बताइए, हमारे अनिल जी बता रहे हैं करीब करीब 7.5 लाख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सब मिला के आप अंदाजा लगाइए। बाबा साहब की बात तो सब करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बाबा साहब की बात नहीं मानते। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, एक स्लोगन हर प्रोग्राम में हर जगह होता है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, कोई थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग कर देते हैं, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एनीवे विद्वानों का अलग अलग मत है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन ऑर्गेनाइज वर्ड को हमने अगर नहीं आज तक समझा तो बाबा साहब को क्या समझेंगे। बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं मैं आपको। टॉल्स्टॉय की बात बाबा साहब भी कहते थे, मैं वही दोहरा रहा हूं आपके सामने, क्योंकि आप सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं यहाँ पे सभी, और जो आए थे वो भी इंटेलेक्चुअल थे,
जो वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे इसीलिए वो चले गए. द डिस्टेंस वी हैव गॉन इज लेस इंपॉर्टेंट देन द डायरेक्शन इन विच वी आर गोइंग टूडे. हम लाखों संस्थाएं बना करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में बहुत दूरी तय कर चुके हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ न कुछ अपना एक मिशन लेके आता है और अनाप शनाप पैसा खर्च करता है. मनी पावर, मसल पावर, मैन पावर, पता नहीं क्या क्या. देखिए रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है ये हमें आत्मनिर्भर की जरूरत है. हमको रिजल्ट आज तक कुछ भी नहीं मिल रहा. कारण आपको सोचने होंगे. आए दिन आपके जितने भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में दिए, जो संविधान बाबा साहब के तत्वों से मिला, एक्चुअली वो उनका असली संविधान को नहीं है. उनका असली संविधान अगर देखना है तो राइट्स एंड माइनॉरिटीज, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, सॉरी स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज जो उन्होंने बनाया था वो है. चूंकि वो नहीं हो पाया तो उन्होंने किसी रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से दिया. लेकिन हमारे आज कितने साथी, कितने ऑर्गेनाइजेशन है. मैं ऐसी बात इसलिए नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज में नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा व्यू अलग है. हम किसी की क्रिटिसाइज ना करें लेकिन उसका आकलन भी जरूर करें. कितने ही ऑर्गेनाइजेशन हेड से मैंने बात किया अपने दौरान में, आपको ताज्जुब होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते. वो आईपीसी सीआरपीसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. बड़े बड़े विद्वान इंटेलेक्चुअल, तो अंदाज लगा लीजिए देश का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, बाबा साहब के मिशन का क्या होगा. आदत हमारी है पढ़ेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, कार्य कानून की बात होगी तो समझेंगे नहीं, अनाप शनाप आर्गुमेंट करेंगे जैसा कि हर मीटिंग में होता है. आप देख रहे हैं डिसिप्लिन में रहना हमने सीखा नहीं. जो समाज, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन नहीं है आप मान के चलिए वो कभी मंजिल पर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता. उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, आरएसएस एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, 95 से चल रहा है, सॉरी 95 साल हो गए, 1925 से चल रहा है किसी न किसी रूप में. डिसिप्लिन है. आज क्या कर रहा है, रुला रहा है आपको. जो भूल चुके थे हमारे लोग आज उनको याद आ रहा है कि हाँ क्या हो रहा है. तो समय है, अगर आपको वाकई बाबा साहब को याद करना है, जयंतियां मनानी है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं और करते आ रहे हैं. पिछले इतने सालों से हमने क्या पाया ये आपको मंथन करना पड़ेगा. हीरो वर्शिप की बाबा साहब ने मना करी थी, आइडियोलॉजी की बात करी थी, भूल गए. आज भी हीरो वर्शिप कर रहे हैं. लीडरशिप, नेतागिरी, अपने अपने को जमाना, दिखाना, फेम, नेम, पता नहीं क्या क्या, ओवर एम्बिशन, बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे. मेरे भाई एक कम्युनिटी बेस पे, एक छोटे से ग्रुप बेस पे हम सत्ता में नहीं आ सकते. सत्ता में आने के लिए बाबा साहब का काम जो अपने कांसीराम जी ने किया था, कांसीराम एक सच्चे सिपाही थे. मैं आपको बता दूं हमारा उनसे काफी इंटरेक्शन भी था, बहुत कुछ सीखा. जो काम उन्होंने ईमानदारी और संकल्प से किया था आज भी उसी काम की जरूरत है. अगर सत्ता में भी आना है तो हमारे लोगों को सत्ता बहुत जल्दी आ जाती है. एक्चुअली सामाजिक काम जो बहुत जरूरी है वो कोई नहीं करता. बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बाद जो मेरा छोड़ा हुआ कारवां है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र. आज बताइए कितने लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो उस रूप में कौन कर रहा है जिसकी बाबा साहब ने बात करी थी. बाबा साहब ने अलग अलग रहने की बात नहीं करी थी, ऑर्गेनाइजेशन में रहने की बात करी थी. तो आप उसको ध्यान रखिए. मेरा इशारा बहुजन बनाने का है.
जिसको कंसी राम जी ने बना के दिखा दिया और सत्ता भी दिला दी, आज फिर आप उस जगह से हट गए। आज भी आपको वही काम स्टार्ट करना है मेरे साथियों, बहुजन बनाने की बात करिए, कास्ट बेस की बात मत करिए, काम पर चलेगा। अगर संविधान बच गया, संविधान ही आपका सब कुछ है, संविधान को बचा लिया तो आपने बुद्धा को बचा लिया। प्रीएम्बल इटसेल्फ इज संविधान, संविधान इटसेल्फ इज बुद्धिज्म, प्रीएम्बल इटसेल्फ इज बुद्धिज्म। आप पढ़िए, हम लोग धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा मजे की बात है, दिल्ली में बहुत से धार्मिक नेताओं से मिला, नेता बोलता हूँ मैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल का तमगा लगाए हुए लोग धार्मिक क्षेत्र को पकड़ लिया। जब कोई नहीं पूछ रहा है तो आईएएस आईपीएस क्लास वन अफसर हैं हम भाई, हमको कुछ चमकना है, बड़ा शौक है चमकने, तो कुछ ना कुछ पकड़ लेते। और जब उनसे मैंने बात की कि भाई आप धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इकट्ठे होकर नहीं कर सकते क्या? सवाल जवाब कुछ नहीं, बड़ा बुरा हाल। मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि बातें बहुत होती हैं, शिकायतें बहुत होती हैं, कमियां जो हमारे अंदर हैं उन कमियों को अगर दूर कर लें तो हम कुछ कर पाएंगे। बाबा साहब का नाम लेने से पहले हमें जो कमियां हैं वो दूर करनी पड़ेगी। ईगो, लीडरशिप और ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी नहीं, सच्चाई नहीं है, संकल्प नहीं है, ये सारी हमारी कमियां हैं। अगर बाबा साहब के जैसा देश बनाना है, समाज बनाना है, तो उनकी कुछ बातों पर भी गौर करना पड़ेगा और हमको अपने आप को उतारना पड़ेगा। भाषण और नारे देने से काम नहीं चलने वाला, क्रांतिकारी जय भी कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जोश है, हंसी राम जी बोलते थे जोश जरूर होना चाहिए लेकिन होश को संभाल के रखो, होश में रह के उस जोश का इस्तेमाल करो, काम आगे बढ़ जाएगा। मैं कोई नसीहत देने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप समझदार लोग हैं जो मूवमेंट हमारे साथ ही तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे बहुत जगह हो रहे हैं। आप कोशिश करिए कि वो मूवमेंट अपनी मंजिल तक पहुंचे। बड़े बड़े लोग अपनी नौकरी दांव पर लगा के इस प्रोग्राम में आते हैं, उनका भी ध्यान रखो। जो नौकरी में है उनको नौकरी भी करने दीजिए, लेकिन आज कितने ही लोग हैं नौकरी में नहीं है, वो तो कुछ कर सकते हैं। रिटायर्ड लोग हैं उनको तो नेतागिरी की चस लगी हुई है, मैं देख रहा हूँ। मैंने कई साल तक ये कोशिश करी कि कितने रिटायर्ड लोग ऐसे मिले जो कुछ सेक्रीफाइस करें, लेकिन नहीं, बहुत ही फिंगर टिप्स पर गिनता हूँ मैं कुछ लोग मिलते हैं, नहीं तो सबको चिंता है टिकट की। मुझसे लोग बोलते थे साहब के जमाने में, कहे कोई सप्ताह में पढ़ते हो यार, टिकट ले लो मजा करो। मैंने कहा नहीं, साहब का नारा है बी ए किंग मेकर, अगर सब किंग हो जाएंगे तो मुश्किल है, किंग साहब नहीं होते, किंग मेकर बनो और किंग उनको बनाओ जो जिसमें क्वालिटी बाबा साहब की हो। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आपसे सिर्फ ये एक विनम्र अनुरोध करूँगा कि आपको एकता की बात सोचनी पड़ेगी सबसे पहले, चाहे आंदोलन कर लीजिए, चाहे कुछ और कर लीजिए, मेमोरेंडम की बात कर लीजिए, धरना की बात कर लीजिए, एकता। जब तक एकता नहीं है, इकट्ठे नहीं होंगे, आप मंजिल नहीं मिल सकती। आप मैं 11 ये मार्च को एक समता सम्यक समाज को संघ की एक मीटिंग थी द्वारका में गया था, बहुत बड़ी बड़ी बात वहां भी हुई थी, लाखों लोगों को इकट्ठा करके धरना देंगे अभी दिल्ली में। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर एक साथ करें तो मजा आ जाए। आप सब लोगों ने बातें भी करी है, लेकिन बातें करते करते मत रहिए, अगर कुछ होता है तो उसको प्रैक्टिकल में उतारिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, जय जिंदाबाद। जिन साथियों को